आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर छिपिटोला में रविवार से श्री चरित्र शुद्धि महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ शुरू हो गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी का भक्तजनों को सानिध्य प्राप्त हुआ। इस दौरान माता जी ने भक्तजनों को प्रवचन के माध्यम से धर्म प्रभावना की। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर छिपिटोला में रविवार से श्री चरित्र शुद्धि महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ शुरू हो गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी का भक्तजनों को सानिध्य प्राप्त हुआ। इस दौरान माता जी ने भक्तजनों को प्रवचनों के माध्यम से धर्म प्रभावना की। हम सोचते हैं कि बच्चों को आपने बहुत बड़ी पढ़ाई की कराई है, आपने इंजीनियर डॉक्टर बड़े अफसर तो बना दिया है, लेकिन जिसके लिए ये अवसर मिला था उससे चूक गए। ये अवसर क्यों मिला था? आज मंदिर में इतनी भीड़ है, आपने सोचा? क्योंकि एक एक लोग जाग जाए तो मैं कहती हूँ उससे दुगनी भीड़ हो जाएगी, क्योंकि हर लोगों को एक ललक होना चाहिए, रोशनी का कुछ ना कुछ इंतजाम होना चाहिए, रोशनी का कुछ ना कुछ इंतजाम होना चाहिए, और बंद कमरे में भी एक रोशनदान होना चाहिए, बंद कमरे में भी एक रोशनदान होना चाहिए। जो अनपढ़ है, जो अनपढ़ है, गमार है, मिथ्या दृष्टि है, माना कि वो हैवान है, हम इंसानों को भी तो कम से कम भगवान होना चाहिए। हम इंसानों को भी तो, हम पढ़े लिखों को भी तो कम से कम इंसान होना चाहिए। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष दिलीप कुमार जैन ने बताया कि माताजी के सानिध्य में यह विधान 11 मार्च तक चलेगा। विधान में प्रभु से विश्व शांति की कामना की जाएगी। ऐसा है, आज दिनांक 7 तारीख से और 11 मार्च तक का चारित्र शुद्धि विधान का आयोजन आरका माताजी श्री षष्ठी भूषण माताजी के निर्देशन में चल रहा है और बहुत ही भव्य आयोजन किया गया है। पूरी सकल छिपिटोला समाज इस आयोजन में भागीदारी बनी है और ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ माहौल मंगलमय हो गया है और हम भी ये चाहते हैं कि ऐसी भावना सबको करें कि ये धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़े। कार्यक्रम में मौजूद श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंध समिति के प्रवक्ता दिलीप जैन ने सभी भक्तजनों से श्री चरित्र शुद्धि महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ में भाग लेने की अपील की। मंदिर जी में चारित्र शुद्धि विधान के प्रथम दिन सर्वप्रथम घट यात्रा निकाली गई, उसके बाद ध्वजारोहण के उपरांत विधिवत विधान का प्रारंभ हो गया है। यह विधान 11 मार्च तक चलेगा। इसमें प्रतिदिन पूजा पाठ और माता जी के प्रवचन, हमारे बीच में आर्का श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी विराजमान है, उनके सानिध्य में ही ये विधान चल रहा है। और इस विधान की भव्यता ये है कि इसमें सैकड़ों लोग, 100 से अधिक माताएं बहनें और पुरुष भी इस विधान में अपनी भागीदारी दे रहे हैं और बहुत आनंदमय वातावरण है। और सभी को मैं तो आगरा की समाज को निवेदन करूंगा कि वो अभी यहाँ आकर इस विधान का आनंद लें। आज चारित्र शुद्धि महामंडल विधान हो रहा है जो विश्व शांति के कल्याण के लिए हो रहा है। 1230 व्रत के उपरांत ये व्रत होता है जो कि आर्का सृष्टि भूषण माता जी के सानिध्य में होने जा रहा है। जैन समाज के श्रद्धालु इसका लाभ ले रहे हैं। इसके संदर्भ में सुबह घट यात्रा निकाली गई। इंद्राणियाँ अपने सर पर कलश लेके पानी की टंकी होते हुए पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पहुँची। श्री चरित्र शुद्धि महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ 11 मार्च को समाप्त होगा। विधान शुभारंभ कार्यक्रम में सागर जैन, शर्यांश जैन मौजूद रहे। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।